हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्वाभिक मॉम स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैं इतने दिनों से आपको कोई भी व्लॉग नहीं दे पाई, लेकिन उसके पीछे रीज़न आप जानते हो कि मुझे कोविड हो गया था तो मेरी हेल्थ बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, इसलिए मैंने बीच में इतना गैप लिया। क्योंकि हेल्थ यार पहले है ना, हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो व्लॉग कहाँ से बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने टोटल रेस्ट किया है, बिल्कुल बाहर नहीं निकली हूँ बिल्कुल भी इस रूम से, बस वॉशरूम, वॉशरूम से कमरा, कमरे से वॉशरूम, वॉशरूम से कमरा, यही मेरी लाइफ रही है। और आज बाय गॉड ग्रेस 10 डेज मेरे कंप्लीट हो गए हैं, दवाइयाँ भी ऑलमोस्ट मेरी जो भी कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। हाँ थोड़ा सा मुझे वीकनेस रहती है, थोड़ी सी डिजीनेस सी रहती है, थोड़ी फटीक सा रहता है जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती हूँ तब, अदरवाइज आई एम परफेक्टली फाइन। तो वो यार वीकनेस आती ही है, क्योंकि जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है जिन्होंने कोविड को फेस किया है, उन सबका कहना यही है कि ये तो 1.5-2 महीने रहता ही रहता है, वीकनेस रहती ही रहती है, तो वो जाते जाते जाएगी। तो डाइट वाइट पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन वो सही हो जाएगा। बट रिगार्डिंग कोविड आई एम परफेक्टली फाइन। अब मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मुझे फीवर है या मुझे बॉडी पेन है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, आई एम ओके राइट नाउ। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जब अच्छा फील कर ही रहे हैं तो क्यों ना व्लॉगिंग भी दोबारा से स्टार्ट कर ली जाए, भाई इतने दिनों से हम लोगों की बात जो नहीं हुई तो आज आप लोगों से बात भी की जाए। और एक रीज़न और है जिसके लिए आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि आज हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आने वाला है, एक नया फैमिली मेंबर हमारी फैमिली में ऐड होने वाला है। एक्चुअली क्या है ना, इन 10 दिनों में हमने नोटिस किया कि स्वाभिक बहुत अकेला पड़ गया था। हालांकि उसके पापा ने बहुत कोशिश की उसके साथ खेलने की, उसके साथ इन्वॉल्व रहने की, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे बड़ों के साथ एकदम से ओपनली इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उन्हें वो बच्चों वाली ही चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए स्वाभिक के पापा और मैंने ये डिसाइड किया कि हम अपनी फैमिली में एक न्यू मेम्बर लेके आएंगे। तो आज वो आने वाला है हमारे घर में, कौन है और कहाँ से आने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वो उसे अभी नीचे लेने के लिए गए हुए हैं, वो एक बार ऊपर आ जाए मैं आपको मिलवा दूँ, फिर मैं पूरी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके मैं आपसे मिलवाती हूँ कि कौन न्यू मेंबर आया है हमारी फैमिली में, लेकिन दूर से ही दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, रेडी, 1, 2, 3। आ जाओ, कौन आया है हमारे घर, ये देखिए हमारे घर आया है एक न्यू फैमिली मेंबर, ये छोटा सा शिजू पपी हम लेके आए हैं, मतलब मैं नहीं लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है उनके पास था तो वो देखे गए हैं इसको स्वाभिक के लिए। ये देखिए कितना क्यूट है, ओ माय गॉड ही सो क्यूट। और इसने आते ही सुसु कर दी आते ही सुसु कर दी इसने तो ये तो बहुत ही छोटा है भाई, बहुत ही छोटे हो तुम तो, बहुत ही छोटे हो। तो ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनके पास पपीज थे ये, तो वो स्वाभिक के लिए देखे गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्वाभिक अकेले घर में बोर होता रहता है तो उसका कोई कंपेनियन होना चाहिए, तो वो इसको देके गए हैं। ठीक है, बाय बाय शिजू, बाय। तो जी देखा हमारे फैमिली का न्यू मेंबर, यस अशिजू, अशिजू पपी, हमने ये छोटा सा पपी लिया है, हमने परचेज नहीं किया है इसे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उनके पास ये पपी थे, तो क्योंकि वो अभी रिसेंटली ज़्यादा टच में थे मेरे हस्बैंड के, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो वो फॉलो कर रहे थे कि भाई मेरी तबीयत कैसी है, इन सब चीज़ों को लेके बात कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अधिकतर उनसे ये बोलते रहते थे कि बाकी सब तो सही है लेकिन स्वाभिक बहुत अकेला फील करता है, स्वाभिक को एडजस्ट, मतलब स्वाभिक नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो वो अधिकतर उससे ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहते थे। तो उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही ये बात रखी थी कि यार मेरे पास ऐसे ऐसे शिजू पपीज़ हैं, तू चाहे तो मैं एक पपी स्वाभिक के लिए घर पे छोड़ जाता हूँ, और वो अगर इसके साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब अच्छे से मिल बैठ जाएगा, तो फिर तुम उसको रख लेना। तो
तो स्वाभिक के पापा ने मुझसे पूछा कि वो ऐसे ऐसे कह रहा है, हालांकि मेरा पहला रिएक्शन ना ही था कि मेरी भी तबीयत खराब चल रही थी और फिर दूसरा उसको मैनेज करना ना डॉगी को, तो थोड़ा सा मेरे को वो था। फिर हमने स्वाभिक से पूछा और स्वाभिक से तो हमने जिस दिन पूछा उस दिन से स्वाभिक उस पपी के पीछे ही पड़ गया, उसको जिस दिन से फोटो दिखाई कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और आज फाइनली उन भैया ने बोला कि ठीक है अब तो मैं दे ही जा रहा हूँ, अब तुम उसे रख ही लो। तो आज वो उसको देखे गए और आपने देखा ना कितना क्यूट है, कितना प्यारा सा है। स्वाभिक ने तो उसका नाम भी डिसाइड कर लिया, उसका नाम रखा है स्वाभिक ने कैश, कि मैं उसको कैश बोलूंगा। हालांकि अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं उसे आए हुए, लेकिन स्वाभिक उसके साथ साथ ही लगा पड़ा है, बड़ा प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। मैं भी ज्यादा मैं अपने पास नहीं ला रही हूँ, स्वाभिक के पापा उसकी फुटेज बनाएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ही सो क्यूट, डैम क्यूट यार, इतना प्यारा है ना, इतना छोटा सा है, बिल्कुल हाथ में ऐसे बॉल की तरह फिट हो जाता है, बहुत ही सुंदर है। मतलब देख के एकदम से ना मेरी आधी बीमारी तो सही हो गई उसे देख के, इतना क्यूट लग रहा था। तो आज हमने वेलकम किया है अपनी घर में एक न्यू फैमिली मेंबर और वो है शिजू पपी, यानी कि कैश, उसका नाम है कैश। और आज से हम लोगों की फैमिली हो गई है 4 लोगों की, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड स्वाभिक और हमारा छोटा सा शिजू पपी। तो जो भैया इसको देखे गए थे ना, उन्होंने हमसे बोला था कि इसको शावर करा देना, अच्छे से साफ कर लेना इसे और फिर इसको फीड करा देना। तो अभी हमने इसको वार्म वाटर से शावर कराया और धूप में बैठा दिया है जिससे कि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर इसको ड्रायर से भी एक बार सुखाना है, इसको कॉम करना है और फिर इसको हम फीड कराएंगे। तो फीड कराने के लिए इस टाइम तो सिर्फ उन्होंने सेरेलेक हमको बोला है कि सेरेलेक देना है, तो सेरेलेक पतला पतला हमने इसको बना के दे दिया है इसकी बाउल में और वो खा रहा है। और स्वाभिक को तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं इसके साथ, बिल्कुल आगे पीछे इसके ऐसे घूम रहा है जैसे पता नहीं कौन मेहमान आया है घर में, और बिल्कुल उसके साथ ही चिपका पड़ा है तुमसे। और यहाँ एक छोटी सी बास्केट थी मेरे पास, तो उसमें नीचे कुशन्स वगैरह लगा के और एक स्टॉल बिछा दिया है मैंने इसके लिए, जिससे कि ये आराम से इसमें बैठ सके। और स्वाभिक ने अपने सारे टॉयज़ भी इसको दे दिए हैं। ये जो आप बनी इसको देख रहे हो ना, ये स्वाभिक से मैंने कितनी बार मांगा है लेकिन स्वाभिक ने मुझे कभी नहीं दिया है, लेकिन इसको आते ही दे दिया, खूब उसको टच करके कि मम्मा ये कितना सॉफ्ट है, कितना क्यूट है, और लगा पड़ा है उसके साथ सारे अपने सॉफ्ट टॉयज़ दिखा के मज़े से उन दोनों खेल रहे हैं। और उसके पापा भी खूब इंजॉय कर रहे हैं इसके साथ, क्योंकि अभी तो उनकी छुट्टी है थोड़ी देर, मतलब छुट्टी क्या, उन्होंने मेरी वजह से ले रखी है छुट्टी सैटरडे संडे की, तो उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं खूब दोनों। और स्वाभिक तो बहुत ही खुश है और उसे देख के वाकई हमें भी बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो उसको कोई मिल गया साथ खेलने के लिए। तो अलग अलग तरीके के खेल इसके साथ खेल रहे हैं वो।
लेटे रहो लेटे रहो, खेल रहा है वो, देखो ऐसी। अच्छा अच्छा और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे साथ सोफे पे खेलते खेलते यहीं पर सो गया। और ये देखिए, इसका साइज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए ये मोबाइल इसके पास रखा हुआ है। आप देखिए कितना छोटा है ये, सिर्फ 38 डेज़ का है अभी, मज़े से सो रहा है। और आंखों का कलर ऐसा है कि पता ही नहीं चलता आईज खुली है कि बंद है। और यहीं पर स्वागत भी इसके साथ खेलते खेलते सो गया। दोनों ने मजे से एक एक सोफे पे कब्जा जमा लिया। तो गाइस, आज बन रहा है एग करी। अभी रोज रोज बाहर का खाना खा खा के भाई 10-12 दिन से हालत खराब हो गई है। तो थोड़ा ऑनलाइन सीखा, थोड़े से अपने टिप्स लगाए, और अभी सबसे पहले अंडों को मैरिनेट किया मैंने हल्दी के साथ, नमक मिर्च गरम मसाला ये सब डाल के, और साथ में मैंने एज अ ट्रायल मैरिनेशन करते हुए थोड़ा सा चिकन मसाला भी डाल दिया था। आई डोंट नो अभी कैसा फ्लेवर आया होगा। और अभी मैं इनको फ्राई कर रहा हूँ एंड मूव अलॉन्ग, साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे इसको बना रहा हूँ। लेट्स सी कैसा बनता है। तो अभी लगता है अंडे तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो चलिए इनको निकालते हैं। एक मिनट, उसके लिए कोई स्पून यूज कर देता हूँ। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। परफेक्ट, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। तो गाइस अभी यही तेल में यूज करने वाला हूँ। मैंने इसमें ज्यादा तेल नहीं लिया था, क्योंकि फिर वो तेल एक बार अंडे बनाने के बाद थोड़ा अजीब सा हो जाता है। अभी इसमें सबसे पहले डाल रहा हूँ थोड़ी सी हल्दी, हींग। अब मुझे नहीं पता थोड़ी कम ज्यादा हो गई हो तो। और अभी थोड़ा जीरा डाल लेते हैं, मुझे जीरा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए इसको थोड़ा भून लेते हैं। तो ये मैंने पेस्ट बना के रेडी किया हुआ गाइस, मिक्सर पहली बार यूज किया बहुत सालों में। तो ये है प्याज और हरी मिर्च, चलिए अभी डालते हैं। अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, थोड़ा मीडियम आंच पे ही कर रहा हूँ गाइस मैं, जब तक इसका थोड़ा तेल अलग नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा देखता रहूँगा कि तली पे तो नहीं चिपक रहा है। जब ये हो रहा है तो मैं अभी ये भी निकाल लेता हूँ। ये हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करते हैं, और जो मैं वीडियो देख रहा था एक तरीका, उसमें भी इसका यूज़ किया था। तो मैं इसमें निकाल लेता हूँ पहले थोड़ा, और फिर इसको इसी वाले में ऐड कर दूँगा। ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कितना डालना है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन लिया है मैंने, ऐड कर देता हूँ इसमें। तो अभी थोड़े से मसाले ऐड करने का टाइम है गाइस, ये मैंने निकाल के रख लिया है जिससे मुझे याद रहे। तो ये है हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए सौंफ, और ये धनिया। तो डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल रहा हूँ, ज्यादा नहीं डाल रहा। कलर के लिए लाल मिर्च ज्यादा नहीं डाल रहा, मुझे नहीं पता ज्यादा टेस्ट तो नहीं होगी, इसलिए थोड़ी ही डाल रहा हूँ। और
सौंफ और धनिया पाउडर में ज़्यादा चैलेंज नहीं है क्योंकि इससे तीखा तो होगा नहीं, तो डाल देते हैं एक एक चम्मच। अभी इसको मिक्स करते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइस ये टोमेटो मैंने चला लिया है, थोड़ा इसका पेस्ट बना लिया है ग्रेवी के लिए। अभी ये मसाला अच्छे से भुना हुआ लग रहा है तो इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको जो मैंने रेसिपी पढ़ी थी उसमें लिखा था 5 से 7 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, तो धीमी आंच पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ देता हूँ। अभी हो गए हैं 5 से 7 मिनट, देखते हैं 1 मिनट गर्म हो गया ये। अच्छा दिख रहा है। चलिए अब इसमें अंडे डालते हैं। ये डाल दिए इसमें अंडे, अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी ये जो जिसमें मैंने ये मैरिनेट किया था इसको इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देता हूँ। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना पतला ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मीडियम कर रख रहा हूँ कि ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा हल्का रहे। आई थिंक ठीक है ये। अभी इसको फिर से कवर करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे नमक, आप थोड़ा सा देख लीजिए अपने हिसाब से, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला अगेन थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि कई बार शायद इससे तीखा हो जाता है खाना। मिक्स कर देता हूँ एक बार। अभी मैंने थोड़ा सा ये धनिया चॉप करके रख लिया था, अब मुझे पता नहीं कभी इससे फ्लेवर ऐड होता है या नहीं, मुझे तो देखने में अच्छा लगता है मैंने इसलिए ऐड किया। भाई वाह, देखने में तो अच्छा लग रहा है। अभी इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी बस इसको थोड़ा मैं फिर से ढक दूंगा, 1 या 2 हल्के से बॉईल आ जाए इसमें, क्योंकि पानी जो ऐड किया था वो पक जाना चाहिए। इसको मैं फिर कवर कर देता हूँ एंड लेट्स वेट। हाय फ्रेंड्स, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज मैं सबके साथ बैठ के, यानी कि हस्बैंड के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ। इतने दिनों से अलग अलग खा रही थी, बहुत अजीब लगता था, लेकिन आज साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और आज स्वाविक के पापा ने बनाया है अंडा करी, रोटी, चावल, प्याज और उसके ऊपर नींबू। बढ़िया सा खाना बनाया आज उन्होंने खुद से। वो भी बाहर का खा खा के बोर हो गए और हम भी बाहर का खा खा के बोर हो गए। तो आज मेरी थाली में आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, बढ़िया सी अंडा कड़ी, रोटी, प्याज और वो रखे हैं चावल। और ये स्वाविक के पापा की प्लेट। स्वाविक अभी सो गया है, जब उठेगा तब वो खाएगा। तो अभी हम इंजॉय करेंगे ये डिनर। करने के बाद मेडिसिंस वगैरह लेनी होती है और उसके बाद आती है नींद। तो आज से मेरी सारी मेडिसिंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। आज लास्ट डोज है मेरी मेडिसिन का, सारी मेडिसिंस भी कंप्लीट हो गई हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया है आराम से रहो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज से मैं आउट ऑफ एनी कोविड इन्फेक्शन हूँ। आज से मैं नॉर्मली अपने घर में आराम से घूम सकती हूँ, आराम से काम कर सकती हूँ। ज़्यादा काम नहीं करना है, डॉक्टर ने बोला है, ईजी वे में लेना है, एकदम से नहीं टूट जाना है काम में, क्योंकि थोड़ी सी डिजीनेस रहेगी, थोड़ी सी थकान रहेगी, धीरे धीरे वो अपने आप सही हो जाएगी। तो इसलिए अभी ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए डिनर भी आज हस्बैंड ने बनाया कि वो डिनर एंजॉय कर लेते हैं और फिर बात करेंगे। सो गाइस, बहुत टायरिंग दिन रहा है इस छोटू के साथ। आज बहुत भगाया है इसने,
एक मिनट सॉरी, बहुत भगाया इस छोटू ने। तो अब इसके सोने का अरेंजमेंट ऐसे ही किया हुआ है, नीचे कॉटन की पतली सी चादर बिछा दी है स्वाभिक, और उसके ऊपर इसके कुछ टीदर रख दिए हैं इसके रात में खेलने के लिए। और अभी इसको यहाँ पर सुलाएंगे और इसको इस टोकरी से कवर कर देंगे जिससे छोटू रात को किधर भागे नहीं। ठीक है कैश? अरे वाह, ये तो लेट भी गया इसके अंदर, देखिए कितने आराम से लेट गया। देखते हैं फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, परेशान करता है या नहीं। मैंने अपने बेड के पास ही रखा है, वैसे तो इसका बेड ऑर्डर किया है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ और लॉकडाउन की वजह से किसी शॉप पे मिलेगा भी नहीं, तो 2-3 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं रात में कैसे रहता है। ठीक है सॉरी, अपन देखेंगे रात को, परेशान तो नहीं करता कैश। करेगा क्या? पिची करो, पिची करो जल्दी। अच्छा फ्रेंड्स को गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो बज रहे हैं 6:20, 6:25 और इस छोटे कैश ने टू टू कू 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 करके उठा दिया। ऑब्वियसली नोबडी एल्स इज अवेक इन द हाउस, बस मैं ही जागा हूँ और मेरे पास ये सो रहा था तो उठना पड़ा। अभी देखिए कैसे शांत बैठा है यहाँ पर। सो दीज आर नोन टू बी कंपेनियन डॉग्स है, तो ही इज प्रूविंग टू बी द सेम कि इनको कंपेनियनशिप बहुत पसंद है और इनको साथ में रहना बहुत पसंद है। तो सोया रात में जो भी सोना था इसको, और सुबह उठते शोर मचाना शुरू कर दिया और अभी देखिए कैसे शांत होकर बैठा है। क्या हुआ कैश, क्या चाहिए तुमको? बोर हो गया था अकेला? चलिए अभी इसको फीड करूँगा थोड़ी देर में मैं, और उसके बाद आई विल कीप ऑन शेयरिंग द डेली रूटीन की आज दिन भर ये कैसे रहता है हमारे साथ। और अभी सुबह सुबह इसको फीड करा दिया था, सेरेलेक ही दिया था पानी में घोल के, और मैं भी उठ गई थी क्योंकि ये इतना ज़्यादा काऊ काऊ कूकू कर रहा था, तो मैं भी उठ के आ गई थी कि क्या हुआ। तो अभी इसको सेरेलेक दे दिया है खाने के लिए और अभी थोड़ा मस्ती करेगा, ये खेलेगा। इन डॉगी को ना बिल्कुल भी अकेले रहने की आदत नहीं होती, तो हमने मजाक मजाक में इसको बैल्कनी का डोर बंद कर दिया था कि तुम थोड़ी देर बाहर खेलो। ये देखिए कितना परेशान हो गया ये, ज़रा सी देर में इसका काऊ काऊ चाऊ चाऊ शुरू हो गया और इसने डोर खुलवा के ही माना, इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि हमें डोर लास्ट में खोलना ही पड़ा। तो इन लोगों को बिल्कुल भी आदत नहीं होती अकेले रहने की, बस इन्हें हमेशा अटेंशन चाहिए होता है, हमेशा प्यार केयर चाहिए होती है, बहुत ही केयर से रखना पड़ता है इन डॉगीज़ को। तो इसको अब बाहर बंद किया था हमने देखने के लिए कि कैसा रिएक्शन होता है, तो वैसे ही था जैसा हमने सोचा था कि खूब शोर मचाएगा, और फिर हार के हमने इसके लिए डोर ओपन कर ही दिया। और जब ये अंदर आ गया फिर इसको चैन पड़ा कि अब मैं अंदर आ गया, अब सब सही है।
अभी तो ये स्वाभिक के पापा के साथ ज़्यादा हिला हुआ है, क्योंकि जब से आया है तब से उन्हीं के पास है। मेरे पास तो मैंने बहुत कम ही लिया है अभी से, तो बिल्कुल उनसे ऐसा चिपका हुआ है। कभी उनका पैर काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और जहाँ वो जा रहे हैं वहीं उनके पीछे पीछे टुमक टुमक करके जा रहा है। जब चलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी भी देखिए उनके पैर के साथ खेल रहा है, लगा पड़ा है उनको काटने में, और स्वाभिक की स्लीपर्स के पीछे पड़ गया। फिर जाके अभी उसने देख लिया ना स्वाभिक ने, तो बस शामत आ जानी है। स्वाभिक को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी स्लीपर्स वगैरह कुछ कोई छुए, तो अभी वो काटने में लगा पड़ा है उसकी स्लीपर्स। अब ये भी हटा के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी आदत नहीं पड़नी चाहिए इस तरीके से ये सब काटने वटने की ना, तो ये सब भी हटा के रखनी पड़ा करेंगी। अब मुझे संभाल के रखनी पड़ा करेंगी, पहले तो ऐसी ही पड़ी रहती थी क्योंकि कुछ टेंशन ही नहीं थी, लेकिन अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ये सब भी शूरैक में रखनी पड़ा करेंगी लगा के। और देखिए गाइस, मेरी नींद अच्छे से ख़राब करके खुद कैसे आराम से यहाँ पर बैठा है। देखिए अब ऐसे ही यहाँ पर ये सोने की मूड में है और ये सो भी जाएगा। ये देखिए स्वाभिक की चप्पल का तकिया बनाया, अभी बस मैं सोऊंगा। ये देखिए और कोजी होके, और कोजी होके, हाँ बस अभी मस्त। मैंने इसको फीड करा दिया है, सेरेलैक दिया है, और अभी भाई का पेट भर गया है और मेरी नींद ख़राब कर दी, मेरे साथ थोड़ी देर खेला और अभी भाई सो रहे हैं। Thank you.
मॉर्निंग और आज है संडे और आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेडिसिन भी फाइनली रात तक सारी खत्म हो गई थी मेरी, अब कोई आगे कोर्स नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने कह दिया कि नॉर्मली सब कुछ करो, अब नॉर्मली अपने धीरे धीरे काम में आओ, अपने डेली रूटीन में आओ, तो वही कोशिश मैं कर रही हूँ। और कोशिश स्टार्ट हुई है मेरी फेवरेट चाय से, आज सुबह की चाय मैंने खुद बनाई है क्योंकि इतने दिनों से मेरे को मेरे हाथ की चाय नहीं मिल रही थी। 13-14 दिन हो गए ऑलमोस्ट मेरे हस्बैंड की चाय बना के दे रहे थे, हालांकि अच्छी चाय बनाते हैं लेकिन वो थी ना अपने हाथ की चाय पीने की क्रेविंग वो हो रही थी, तो आज मैंने चाय बनाई है। चाय मैंने बनने रख दिया है, हमने ना मेड भी लगा ली है जो कि खाना भी बनाएंगी और घर का क्लीनिंग वगैरह भी करेंगी, तो वो 8 बजे तक आ जाएंगी, तो इसलिए अभी हम लोग चाय वाय पी के फ्री हो जाएंगे जिससे कि वो फिर इजिली अपना काम करते रहे और हमें बार बार उन्हें डिस्टर्ब ना करना पड़े। कैश को देखती हूँ, कैश कहाँ है? कैश कैश ये बेहतर कैश, इस गंदे बच्चे ने सुबह सुबह सारे हाथ पैर गंदे कर लिए अपना शेरेलेक खा के, तो मेरे को इसको वाइप से पोछना पड़ा, तो ये अभी हल्का हल्का सा आपको गीला गीला सा दिख रहा होगा, वाइप से पोछा है मैंने इसको, सब गंदा हो गया था ये शेरेलेक खा के, है ना कैश? है ना कैश, तुम गंदे हो गए थे सुबह सुबह, है ना कैश? इधर देखो, गुड मॉर्निंग बोल दो भैया तोली जी कैश गुड मॉर्निंग। अरे तुम तो भाग गए भाई, इधर आओ गंदे बच्चे, इधर लाओ। नहीं उसे नहीं खाते, आजो बाबू आजो, चलो फटाफट आओ, पापा को उठाएंगे फिर चाय पियेंगे, आजो। कैश ने तो सेरेलेक खा लिया सुबह सुबह, इसलिए अब वो कुछ नहीं खाएगा, थोड़ी देर तक खेलेगा और मम्मी पापा चाय पियेंगे, ठीक है? आजो आजो जल्दी। तो वो अपना लगा पड़ा है, उसे मैंने सेरेलेक वगैरह दे दिया, खा लिया है उसने, और बस चाय लाइट जला दूं और बस अब चाय बन जाए, चाय पियेंगे और फिर तब तक आंटी भी आ जाएंगी, फिर लगेंगे डेली रूटीन में अपने अपने, देखते हैं क्योंकि आज संडे है, तो आज थोड़ा सा रूटीन में आने की कोशिश करूंगी जिससे कि कल से मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि मंडे से हस्बैंड को भी वर्क फ्रॉम होम करना है, इतने दिन की उनकी छुट्टी हो गई मेरे चक्कर में, तो वो कल से लॉग इन करेंगे तो पूरा दिन उनका तो ऑफिस ही रहा करेगा फिर, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि रूटीन में आ जाऊँ। अब ऐसा कुछ रूटीन में वो है भी नहीं, सुबह सुबह मेड आंटी आ जाया करेंगी, वो लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करके जाया करेंगी, घर का सारा काम करके जाया करेंगी, और तो मुझे बेसिकली बस स्वाविक की क्लास करानी है, स्वाविक को देखना है और कैश को देखना है, दैट्स इट, और कोई काम नहीं है ऐसा अभी तो फिलहाल। तो चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। क्या है स्वाभाविक कैश का? बेड है कैश का, चलो ओपन करके दिखाओ फिर, आइस क्लोज करोगे तुम? कैश की भी आइस क्लोज कर लो, ऐसा कर लो कैश को भी सरप्राइज मिल जाएगा। कैश तो गया बाहर और ये खुल रहा है कैश का बैग जो हमने अमेजोन से मंगवाया है, देखते हैं कैसा आया है। अरे वाह, ये तो बड़ा क्यूट सा बैठा है कैश का। हाँ।
इसको अलग भी कर सकते हैं। हाँ, इसको वॉश करने के लिए है ना, ये अलग होके वॉश कर सकते हो आप इसे। तो फ्रेंड्स, ये आया है कैश का बैट जो हमने अमेजोन से मंगवाया। अभी कैश को बिठाते हैं इसमें। जाओ लेके आओ। चलो कैश, ओपनिंग करो अपने बेड की। ये लो, बैठो इसमें, आराम करो। ये आई तुम तो अरे कलर से भी मैच कर रहा है बिल्कुल। ब्राउन एंड व्हाइट मैचिंग मैचिंग आ गया है ना स्वाविक। अब इसमें बैठ के तुम सो जाओ, है ना स्वाविक। बिल्कुल मैचिंग मैचिंग आ गया। देखो सो रहा ही नहीं। सोएगा अभी नहीं सोएगा। तुम बैठोगे स्वाविक, तुम बैठ जाओ, ऐसा करो इसके बेड में। नहीं, फिर तुमने बाहर के निकाल दिया उसे। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी अभी मैं शावर लेके आई हूँ। शावर वगैरह मैंने ले लिया, नाश्ता कर लिया और आंटी भी खाना बना के सफाई वगैरह करके चली गई। और आज लंच में बना है अरहर की दाल तड़के वाली, और साथ में बनाया है गोभी आलू। ये राइस है, आटा आंटी ने लगा दिया है। जब हमें खाना होगा तो मैं रोटी बस सेक लूंगी, बाकी सब खाना आंटी बना के चली गई हैं। बर्तन कर दिए हैं, सफाई घर की कर दी है, तो ऑलमोस्ट सारा काम वो निपटा के गई हैं। बस अब मुझे रोटी बनानी है, जब ये लोग खाएंगे तो रोटी सेक जाएंगे। और ये खाना तो हमारा डिनर तक का हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे हमारे सब्जी दही और रोटी चलती है और एक टाइम पे दाल चावल चलते हैं, तो ये रात तक का हमारा हो जाएगा। लंच और डिनर दोनों ही है, तो सारा काम ऑलमोस्ट निपट गया। और अब सोच रही हूँ दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है खुद को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है। तो बस अब दवाई खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाऊंगी। स्वाविक और स्वाविक के पापा खेल रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। कैश अभी सो रहा है, कैश का नया बेड आया, वो एंजॉय कर रहा है, मस्त सो रहा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे सो रहा है वो। ये देखिए कितना मस्त सो रहा है अपने बेड पे, मजे से, कोई दीन दुनिया की खबर नहीं है इसे। मजे से अपने बेड को एंजॉय कर रहा है और सो रहा है। तो कैश सो रहा है, स्वाविक के पापा और स्वाविक खेल रहे हैं, और मैं जा रही हूँ दवाई खा के लेटने। ये लोग लंच करेंगे, तब उठूंगी और लंच करने के बाद एडिटिंग करूंगी, और अब आप लोगों से सीधे मिलूंगी शाम को। गुड इवनिंग जी, और शाम हो गई है, और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि शाम को मिलूंगी, तो शाम को ही मिल रही हूँ मैं आपसे। और चाय बन के आ गई है गरम गरम, स्वाविक के पापा ने अभी बनाई है, तो अभी हम पियेंगे चाय। स्वाविक सो गया है कैश के साथ खेल खेल के। आज उसने कैश के साथ इतना ज्यादा खेला है कि वो भी थक के सो गया है, और स्वाविक भी थक के सो गया है, दोनों सो गए हैं। और टाइम अभी हो रहा है 6:30 बजे दोनों सोए हैं, पता नहीं कब उठेंगे, कब क्या होगा। अब डिनर वगैरह सब बना हुआ रखा है, तो ऐसा कुछ काम है भी नहीं, तो अभी जस्ट हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि 10-11 दिन से हम लोगों ने आपस में बातें तक नहीं की है। मैं अलग कमरे में बंद रहती थी, वो स्वाविक के साथ लगे रहते थे, तो बस अब चाय पी के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चाय फिनिश कर ले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आज तो कैश घबरा रहा है इस कमरे में जाने से यार, स्वाविक भैया ने इतना खिलाया है कैश को कि कैश डरने लगा कि मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा जहाँ पे स्वाविक दादा होगा, है ना कैश। आज तुम बाहर रहोगे, बस आज तुम अंदर कमरे में नहीं जाओगे, बस मम्मा के पीछे पीछे भागते रहोगे, मम्मा के पीछे पीछे भागते रहोगे। कैश, 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 आजा। हाइड एंड शीक खेल ले हम लोग, हाइड एंड शीक। वुश, पिकाबू। अब वो गया। सो फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सब हो गया है। डिनर में आपको पता ही है थी अरहर की दाल, चावल, रोटी वगैरह थी, तो डिनर हमने कर लिया है। स्वाविक अभी तक सो रहा है, कैश भी सो गया है, और अब हम देखेंगे कोई मूवी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने टीवी नहीं देखा, थोड़ा बहुत टैब पे ही देख लेती थी कुछ ना कुछ, तो आज बैठ के आराम से कोई ना कोई मूवी देखूंगी और वीकेंड एंजॉय करूंगी। तो ये व्लॉग मैंने 2 दिन का मिला के बनाया था, दैट इज सैटरडे एंड संडे, यानी कि एक वीकेंड व्लॉग था, तो थोड़ा सा लंबा था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
बहुत दिनों बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।